राधे राधे एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको उमा महेश्वर व्रत की पूरी पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। इसका महत्व क्या होता है वो भी मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊँगी। तो इसमें होती है भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का, इसमें विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर शिवलिंग का हम अभिषेक करेंगे, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हम भगवान का ध्यान करेंगे और अक्षत पुष्प छोड़ देंगे। इसके बाद में हम शुद्ध जल से स्नान कराएँगे, दूध से स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे। भगवान भोले शंकर को अभिषेक अत्यधिक प्रिय होता है, तो इस दिन आप भोले शंकर का अभिषेक विशेष रूप से करिए, क्योंकि शिवलिंग जो होता है उसमें माता पार्वती जलहरी के रूप में होती हैं और जो शिवलिंग होता है वो तो शिव का स्वरूप होता ही है। तो आप इस दिन शिवलिंग का अवश्य रूप से इस प्रकार से अभिषेक करें। पंचामृत से स्नान के बाद में आप शुद्ध जल से स्नान करा दें। इसके बाद में हमें अर्पित करनी होती है भगवान भोलेनाथ को, जो भी चीज़ें प्रिय हैं वो सब हम इसमें अर्पित करते हैं। चंदन का तिलक लगाते हैं, भस्म अर्पित करते हैं और सफ़ेद चावल अर्पित करते हैं, बिना टूटे हुए साबुत चावल होने चाहिए, और उस भांग धतूरा और आंकड़े के पुष्प पत्ते आदि जो भी उन्हें प्रिय चीज़ें होती हैं वो सब अर्पित करते हैं। दोस्तों उमा महेश्वर व्रत को मनाने की दो मान्यताएं मानी जाती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये मनाया जाता है, लेकिन नारद पुराण के अनुसार इस व्रत को भाद्रपद मास की पूर्णिमा को भी मनाया जाता है। तो जैसी आपके क्षेत्र में मान्यता हो आप इस प्रकार से इस व्रत को कर सकते हैं। तो इसमें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए और प्रदोष काल में इस प्रकार से शिव परिवार का विधिवत पूजन करना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर शिव परिवार की फोटो भी रखी है, क्योंकि उसमें गणेश जी भी साथ में विराजमान है। आज के दिन अर्ध नारेश्वर रूप की भी पूजा की जाती है, तो जैसी फोटो प्रतिमा आपके पास उपलब्ध हो वैसा आप पूजन करें। कुल मिलाकर के इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। तो देखिए तिलक करने के बाद में मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है, भगवान भोलेनाथ को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। इस व्रत को करने से परिवार के बीच प्रेम बढ़ता है, बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि आती है, सुखी दाम्पत्य जीवन और सुख सौभाग्य मान सम्मान मिलता है। पति पत्नी में आपस में स्नेह बढ़ता है और उनका साथ सदैव सर्वदा बना रहता है। यह व्रत उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनका परिवार बिछड़ गया है, या किसी कारण से कोई विवाद के कारण परिवार टूट गया है, या फिर भाई बंधुओं में पति पत्नी में बन नहीं रही है, तो इस व्रत के प्रभाव से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर धूप दीप भी जला लिया है, क्योंकि अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, तो धूप दीपक भी हम जला लेंगे। इसके बाद में हम बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। तो देखिए किस तरफ से हमें अर्पित करना होता है, उधर हम चंदन लगा करके इस तरीके से हम ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर हम बिल्व पत्र चढ़ाएंगे। आप 3, 5, 7 विषम संख्याओं में कितने भी बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं। तो इस व्रत के प्रभाव से खोई हुई प्रतिष्ठा मान सम्मान पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्रत होता है दोस्तों। इस व्रत को वर्ष में एक बार ये व्रत आता है और इसको करने का जो होता है 15 साल इस व्रत को करने के बाद में 16वें साल में उद्यापन किया जाता है। 15 ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया जाता है। तो इस व्रत में एक समय मीठा भोजन आप कर सकते हैं और दोपहर में दूध चाय फल आदि ले सकते हैं। तो एक समय आप फलाहार भी व्रत भी रख सकते हैं या फिर एक समय मीठा भोजन भी कर सकते हैं, नमक नहीं खाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने धतूरा अर्पित किया है, सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हम अर्पित कर देंगे। भगवान भोलेनाथ को हम भस्म अर्पित करेंगे और शमी पत्र हो तो बहुत अच्छा रहता है, शमी पत्र अर्पित करें। इसके बाद में काली तिली अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को। और भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का प्रथम श्राद्ध भी होता है, तो इस दिन आप अपने पितरों का तर्पण अवश्य रूप से करें, इसीलिए काले तिल हम भगवान भोलेनाथ पे अवश्य रूप से चढ़ाएंगे आज के दिन। और इसके बाद में हम इत्र आदि अर्पित कर देंगे। तो पितरों का तर्पण किस प्रकार से करना होता है इसकी वीडियो चैनल पे मैंने डाली हुई है, घर के पुरुष करते हैं, अगर किसी मजबूरी से पुरुष नहीं है तो महिलाएं भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी हम दक्षिणा चढ़ा देंगे, उसके बाद में हम भगवान भोलेनाथ की इस प्रकार से आरती उतार देते हैं, आरती कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से हम उमा महेश्वर व्रत का पूजन करेंगे। इसके बाद में हम भोग लगा देंगे। दोस्तों पूर्णिमा होती है, जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया हो तो इस दिन सफ़ेद चीज़ों का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन आप खीर अवश्य रूप से बनाएं। पितरों का तर्पण जब किया जाता है तो उसमें भी सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाता है, सफ़ेद भोग लगाया जाता है, तो खीर अवश्य रूप से बनाएं। तो आज के दिन
पूर्णिमा के दिन हम खीर बना करके भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएंगे, या फिर कोई भी ऋतु फल यदि आपके पास उपलब्ध हो तो उसका आप भोग लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपने शाम को अपने खाने के लिए बनाई हो वो भोग स्वरूप आप भगवान को सर्वप्रथम अर्पित करें, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें। तो हम यहाँ पर खीर का भोग लगा रहे हैं, तो देखिए शिवलिंग पर चढ़ा देंगे, बाकी सभी देवी देवता को हम इस प्रकार से भोग अर्पित कर देंगे। इस दिन क्योंकि पूर्णिमा होती है तो माता लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का भी पूजन करना चाहिए, चाहे तो आप सत्यनारायण भगवान का भी पूजन कर सकते हैं। अब ये जो पूजन है आप बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं, चौकी ना लगा करके आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इस दिन दोस्तों शक्कर का व्रत भी रखा जाता है, धूप दीप नैवेद्य आदि से देवराज इंद्र की विधिवत पूजा की जाती है और देवराज इंद्र के लिए व्रत भी किया जाता है। तो जो भाद्रपद पूर्णिमा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन पितृपक्ष भी आरंभ हो रहे होते हैं और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का भी ये दिन होता है, उमा महेश्वर का भी दिन होता है। इस दिन आपको माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का विधिवत पूजा करनी चाहिए, उन्हें खीर का भोग अवश्य रूप से लगाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ें अत्यधिक प्रिय होती हैं और भोग में तुलसी दल अवश्य रूप से रख दें। तो इस प्रकार से आपको माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का भी पूजन करना चाहिए, कपूर से आरती करनी चाहिए और इस दिन हमें चंद्रमा के दर्शन अवश्य रूप से करने चाहिए, उनका विधिवत पूजन करना चाहिए और चंद्रमा को भी अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि पूर्ण चंद्र होता है। जिन लोगों का चंद्रमा थोड़ा सा नीचा होता है उन्हें इस दिन चंद्रमा का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। चंद्रमा का विधिवत पूजन किस प्रकार से किया जाता है इसका वीडियो मैंने चैनल पर पहले से डाला हुआ है, आप उसे ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, हो सका तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब दोस्तों इसके विषय में, उमा महेश्वर व्रत के विषय में एक कथा प्रचलित है। मत्स्य पुराण के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा शंकर जी के दर्शन कर के वापस आ रहे थे, लौटते समय रास्ते में उनकी भेंट विष्णु जी से हो गई। महर्षि दुर्वासा ने शंकर जी की दी हुई बिल्व पत्र की माला विष्णु जी को दे दी। विष्णु जी ने इस माला को स्वयं न पहन करके गरुड़ के गले में डाल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोध से भर गए और कहने लगे कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, जिसके कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे पास से चली जाएंगी, क्षीर सागर से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। इतना सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर श्राप से मुक्ति का मार्ग पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप उमा महेश्वर के व्रत करो तभी तुम्हें ये वस्तुएं मिल पाएंगी। विष्णु भगवान जी ने उमा महेश्वर का पूरे विधि विधान से व्रत किया और व्रत के प्रभाव से विष्णु जी को सभी खोई हुई चीजें लक्ष्मी जी सहित वापस मिल गई। तो दोस्तों कितना प्रभावशाली है ये व्रत जिसको स्वयं विष्णु ने धारण किया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रभावकारी है ये व्रत, तो सभी स्त्री पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि थोड़ा भी यूजफुल लगा है, ज्ञानवर्धक लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओम नमः शिवाय, बम बम भोलेनाथ।